ग्रैंड जेमिनी सर्कस अब कुशीनगर में शानदार प्रदर्शन। 20 वर्षों के बाद पहली बार कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज के खेल मैदान में विदेशी कलाकारों के साथ परिवार और मित्रों के साथ देखिए कलाकारों के हैरत अंगेज खेल। खेल देख आप हो जाएंगे रोमांचित, इसलिए एक बार जरूर देखें। जेमिनी सर्कस म्यूजिक, डांसिंग और जिम्नास्टिक का अद्भुत संगम। सर्कस में मणिपुर, महाराष्ट्र, असम, दक्षिण भारत, विदेश के हैं कलाकार। एजुकेशनल के जेमिनी सर्कस कृष्णा दास मालिक, टिकट भी सस्ता 100, 150, 200, 250 रुपए में, इसलिए आए और देखे जेमिनी सर्कस। भाई साहब नमस्कार, मैं उमर फारूक केपीए न्यूज से आपको बता दें, कुशीनगर में पहली बार सर्कस आया है और अपने परिवार के लिए आके एंजॉय कर सकते हैं। यह एड्रेस है हाईवे NH 28 पर, पुलिस चौकी ठीक सामने है। नमस्कार। सर्कस तो जिम्नास्टिक है, ये पहले सर्कस चालू हुआ था तब से ही, आज बहुत पुराना है सर्कस इंडस्ट्री। लेकिन सर्कस इंडस्ट्री में पहले जो जानवर वगैरह थे, जानवर वगैरह भी नहीं है उसमें, सर्कस का क्रेज थोड़ा डाउन हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने फिर इसको जिंदा रखा है, कैसे भी चला रहे हैं। अभी विदेशी कलाकार लेके आए हैं, हमारे पास विदेशी कलाकार है साउथ अफ्रीका के, और सर्कस जो है एक एजुकेशन का पार्ट भी है, पूरा जिम्नास्टिक प्रोग्राम है, फैमिली शो है, पूरे परिवार के साथ बैठ कर देखने लायक शो है सर्कस। इसलिए कुशीनगर का जनता से हमारे ये अनुरोध है, आइए पूरे परिवार के साथ, बच्चे के साथ बैठ कर। कलाकार कहाँ कहाँ से आए हैं आपके पास? हमारे पास है मणिपुर के हैं, आसाम के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, विदेशी कलाकार हैं, उसके बाद आपका साउथ इंडियन के हैं, महाराष्ट्र के हैं। कितना टिकट लगता है यहाँ पर? टिकट है 3 श्रेणी रखा गया है हमारा, 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया। एड्रेस कहाँ पे है ये लगा मेला? ये बुद्ध इंटर कॉलेज मैदान कुशीनगर। क्या नाम है आपका? कृष्णा दास। सर्कस देख के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और बहुत सारे तरह तरह के सर्कस दिखाए गए हैं, और हम चाहते हैं कि और भी हमारे जो यार दोस्त देख रहे हैं वो लोग भी आए, और कुशीनगर को जस्ट के लिए आपके स्टेडियम में हो रहा है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप देखने के लिए? हम आए हैं देवरिया से। देवरिया से कितना टिकट लगता है यहाँ? टिकट यहाँ 100 रुपया से लेके 150, 200, 250 है, जैसे आप कहेंगे वैसे आप। क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान आलम है। ठीक।